हेलो फ्रेंड, मैं शिवम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल की पांच अमेजिंग ट्रिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहली ट्रिक्स यहां पर है कि एक्सेल में हम रो और कॉलम को हाइड या अनहाइड कैसे कर सकते हैं, वो भी शॉर्टकट की मदद से। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा सा डेटाबेस यहाँ पर बना है, जहाँ पर सेल्समैन नाम है, सेल्स है, इंसेंटिव है और टोटल है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ रोज हमें यहाँ पर हाइड करना है, तो हम हाइड कैसे करेंगे सबसे पहले वो यहाँ पर देख लेते हैं। हाइड करने के लिए आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए ये दो रो हमें हाइड करना है, आकाश और विनय वाली। तो आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और 9 बटन प्रेस कर देना है। कंट्रोल और 9 बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये रो यहाँ पर हाइड हो जाएंगी। अब मान लीजिए इन रो को आपको दोबारा से लाना है, तो दोबारा से लाने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और 9, मतलब एक शिफ्ट आपको और ऐड हो जाएगा, बाकी सेम एस वही रहेगा। कंट्रोल शिफ्ट और 9 जैसे हमने प्रेस किया तो आप देखें आकाश विनय यहाँ पर दोबारा से आ जाते हैं। तो इस तरह से रो को आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें कॉलम हाइड करना है, तो कॉलम हाइड करने के लिए आप कॉलम सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर होल कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया इंसेंटिव वाला। हाइड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल के साथ 0 बटन प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल 0 यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आप देखें इंसेंटिव वाला कॉलम यहाँ पर हाइड हो गया। अब यहाँ पर इसको हम अनहाइड शॉर्टकट की मदद से नहीं कर सकते। एक्सेल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि हम यहाँ पर कॉलम को शॉर्टकट की मदद से अनहाइड कर पाएं। अनहाइड करने के लिए आपको क्या करना है वो देख लें। यहाँ पर दो कॉलम आपको सेलेक्ट करना होगा, उसके पहले वाला भी और उसके बाद वाला भी। तो हमने इस कॉलम को भी सेलेक्ट किया और इस कॉलम को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों कॉलम सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ पर आना है ये देख लें। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट। फॉर्मेट पर क्लिक करें, यहाँ पर मिल जाएगा हाइड अनहाइड। यहाँ पर आप देखें आपको मिलेगा अनहाइड कॉलम। जैसे आप अनहाइड यहाँ कॉलम पर क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर इंसेंटिव वाला कॉलम हमारे सामने आ जाता है। तो इस तरह से कॉलम को भी आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब मान लीजिए डेटाबेस आपने बनाई है, कोई टेबल आपने बनाई है, आप चाहते हो उससे चारों तरफ बॉर्डर देना। तो बॉर्डर देने के लिए क्या करते हैं, हम लोग होम टैब पे बॉर्डर ऑप्शन पे जाते हैं। हम शॉर्टकट की मदद से बॉर्डर दे सकते हैं चारों तरफ, वो कैसे देख लेते हैं। यहाँ पर उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डेटाबेस सेलेक्ट कर लेना है। तो हम डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एंड का साइन प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एंड का साइन यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आप देखें चारों तरफ यहाँ पर बॉर्डर आ जाता है। दोबारा से मान लीजिए बॉर्डर आपको हटाना है तो आप हटाएंगे कैसे, फिर से आपको पूरा डेटाबेस सेलेक्ट करना है जहाँ पर भी आपको बॉर्डर हटाना है। फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और अंडर स्कोर साइन आपको प्रेस करना है। जैसे आप ये साइन प्रेस करेंगे तो यहाँ से बॉर्डर हट भी जाएगा। फिर आता है करेंसी सिंबल लगाना। करेंसी सिंबल का मतलब, यहाँ पर कोई डेटाबेस आपने बनाया है, आप चाहते हैं उसमें रुपीज़ का सिंबल लगाना, तो वो कैसे लगाएंगे। उसके लिए आपको डेटाबेस सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर भी आपको लगाना है। जैसे इतना डेटाबेस हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपकी विंडो 2010 से पहले वाली है तो वहाँ पर डॉलर का साइन बाई डिफ़ॉल्ट आता है, या 16 है, 19 है, तो यहाँ पर रुपीज़ का साइन ही आता है। जैसे हमने यहाँ पर प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पर करेंसी साइन, तो आप देखें यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल बना हुआ आ जाता है। मतलब जितना भी डेटाबेस हमने सेलेक्ट किया था नंबर्स वाला, वहाँ पर रुपीज़ का सिंबल आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह में अगर आपको करेंसी सिंबल लगाना है तो आप करेंसी सिंबल लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है टाइम या डेट इंसर्ट करना। बहुत बार ऐसा डेटाबेस होता है जहाँ पर हमें टाइम बार बार इंसर्ट करना पड़ता है, किस डेट में आपने फाइल बनाई या कौन से टाइम में आपने ये फाइल बनाई। तो उस तरह के डेटाबेस में हम शॉर्टकट की मदद से भी डेट और टाइम इंसर्ट करा सकते हैं। कैसे, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए अगर आपको डेट इंसर्ट कराना है तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और सेमी कॉलन बटन प्रेस करना होगा। जैसे आप कंट्रोल और सेमी कॉलन बटन यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ पर डेट आ जाती है 31/12/2020, मतलब 2020 का आखिरी दिन। फिर यहाँ पर आते हैं मान लीजिए टाइम भी इंसर्ट कराना है, तो टाइम इंसर्ट कराने के लिए आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन। तो यहाँ पर टाइम भी इंसर्ट हो जाएगा। ये टाइम जो भी आपके कंप्यूटर में होगा करंट, वो टाइम यहाँ पर इंसर्ट कर देगा। तो इस तरह से आप डेट और टाइम भी इंसर्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये पांचों टिप्स कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस पर नए हैं तो हमारे चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे इसी तरह नॉलेजफुल वीडियोस आपको मिलते रहें। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया है, आप वहां पर क्लिक करके हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।